अहम खबर देंगे इस वक्त आपको। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में शौहर ने मुबैना तौर पर बीवी को कत्ल कर दिया है। आपको बताएंगे अहम खबर दे रहे हैं कि हामिला खातून को गले में छुरी मारकर कत्ल किया गया है। शाह फैसल कॉलोनी में शौहर ने मुबैना तौर पर बीवी को कत्ल कर दिया। हामिला खातून को गले में छुरी मारकर कत्ल किया गया। खातून के शौहर को हिरासत में ले लिया गया है। आपको बताएंगे अहम खबर दे रहे हैं इस वक्त आपको, जहां शाह फैसल कॉलोनी में शौहर ने मुबैना तौर पर बीवी को कत्ल कर दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानने थे हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस से। एहसान यूनुस बताएगा क्या मामला है ये। हाँ जी बिल्कुल, ये शाह फैसल कॉलोनी के इलाके में अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जिसमें एक दरिंदा सिर्फ शख्स ने, जिसकी शनाख्त अब्दुल्ला के नाम से सामने आई है, इसने अपनी एहलिया तीन माह पहले हमला हुई थी एहलिया को छुरी के वार से जो है कत्ल कर दिया है, और कत्ल होने के बाद जो है मकतूला के लवाइकिन ने उसकी तदफीन भी कर दी थी। तमाम अब जो है लवाइकिन शाह फैसल कॉलोनी थाने पहुंचे हैं और पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए इस मुलजिम अब्दुल्ला को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, और मुलजिम के कब्जे से पुलिस का बताना है कि आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है और मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया एहसान यूनुस, आप हमें तमाम तर तफसीलात बता रहे थे। आपको बताएंगे कि मुबैना कत्ल का ये मामला है, जहां शाह फैसल कॉलोनी में शौहर ने मुबैना तौर पर बीवी को कत्ल कर दिया है। हामला खातून को गले में छुरी मारकर कत्ल किया गया है। खातून के शौहर को हिरासत में ले लिया गया। अहले खाना तरफीन के बाद मुकदमा दर्ज कराने थाने पहुँच गए। मकतूला और अब्दुल्ला की 22 जून को शादी हुई थी।